राधे राधे हरे कृष्णा कैसे हो आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो स्वस्थ हो अच्छे होगे सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं और आप लोगों में से ना ये क्वेश्चन बड़े सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि दीदी एकादशी का व्रत रखना सत्रह तारीख को सर्वोत्तम है या अठारह तारीख को सर्वोत्तम है तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एकादशी का व्रत सत्रह को रखना सर्वोत्तम है या अठारह को रखना सर्वोत्तम है देखिए इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सोलह तारीख को बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा बनाया जा रहा है जब 16 तारीख को बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा बनाया जा रहा है अर्थात दसवीं तिथि दसवीं तिथि के जो नियम है कोई भी संदेह नहीं है कि वो 16 तारीख को ही फॉलो किए जाएंगे क्योंकि गंगा दशहरा जो कि साल का बड़ा उत्सव होता है साल की सबसे बड़ी दसवीं तिथि होती है वो सोलह तारीख को है और उदय तिथि के साथ सूर्योदय के साथ जो एकादशी है वो भी सोलह तारीख की है तो कोई भी संदेह नहीं है कि एकादशी जो है गंगा दशहरा सोलह तारीख का है तो एकादशी सत्रह तारीख की ही है इसमें कोई भी संदेह नहीं है अठारह तारीख को द्वादशी ही है लेकिन व्रत रखना क्या सत्रह तारीख को सर्वोत्तम है या अठारह तारीख को सर्वोत्तम है बहुत ज़्यादा संशय है तो मैं बताती हूँ कि सत्रह तारीख की जो एकादशी है ना ना तो वो दसवीं युक्त है मतलब दसवीं तिथि नहीं है उदय तिथि के साथ ही एकादशी बनाई जा रही है और अट्ठारह तारीख को जो एकादशी बनाई जा रही है वो द्वादशी युक्त एकादशी है कहते हैं अगर हम एकादशी एक का व्रत रखते हैं तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है मतलब एकादशी वाले दिन एकादशी का व्रत रखते हैं तो इसमें कहीं से भी कहीं तक कोई भी संदेह नहीं है कि हमें एक एकादशी के व्रत का फल तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन अगर हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं तो ये एकदम सही बात है कि हमें सौ एकादशी का व्रत मिलेगा ही मिलेगा अर्थात सौ एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होगा ही होगा अगर हम एक एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें जैसे कि अगर मैंने बोला कि सत्रह तारीख को व्रत रखते हैं तो एक एकादशी के व्रत का फल मिलेगा लेकिन वहीं अगर हम अठारह तारीख को व्रत रख रहे हैं तो सूर्योदय के साथ एकादशी भी मिल रही है और साथ ही के साथ उसके बाद द्वादशी तिथि भी लग रही है तो हमें सौ एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो एकादशी का व्रत है वो आप लोगों को सत्रह तारीख को रखना सर्वोत्तम है या अठारह तारीख को देखो आप दोनों दिन भी रख सकते हो अगर आपका सामर्थ्य है एक दिन आप फलाहार से रख लो और एक दिन आप निर्जला रख लो ये पूरी तरह डिपेंड है आपकी कैपेसिटी के अनुसार लेकिन अगर आप दोनों दिन नहीं रख सकते हो तो आप अट्ठारह तारीख को व्रत रखना मेरी तरफ से सर्वोत्तम है कि अट्ठारह तारीख को जब आप एकादशी का व्रत रखते हो तो बहुत अच्छा रहता है कि 18 तारीख को द्वादशी युक्त एकादशी है मैं श्रीधाम वृंदावन की बात करूं इसकोन टेंपल की बात करूं गोड़ी संप्रदाय की बात करूं राधा माधव की बात करूं हर जगह 18 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा वहीं मैं खाटू श्याम की बात करूं तो 17 तारीख को भी व्रत रखा जाएगा आप सोलह और सत्रह दोनों मतलब आप सत्रह और अट्ठारह दोनों दिन भी व्रत रख सकते हो कोई भी संदेह नहीं है लेकिन लेकिन अगर निर्जला व्रत करने की सोच रहे हो दोनों दिनों में से मेरे से कोई एडवाइस मांग रहे हो तो आप 18 तारीख़ का व्रत रखिए अब बेसिकली मैं क्या करूँगी सभी के मन में ये जानने की लालसा हमेशा रहती है कि दीदी -दी, आप कौन सा व्रत करोगे कृपया करके हमें ये बताइए लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो ये नीचे जो नंबर दे रखा है ना इससे आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं कुंडली के माध्यम से मैं आप लोगों का फ्यूचर मतलब आगे क्या होने वाला है आपके पति का जॉब नहीं हो रही है आपके पति का काम नहीं चल रहा आपके बच्चे अगर आपका कहना नहीं मान रहे बहुत जिद्दी हो रहे हैं आपके बच्चे जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे आपके बच्चे का लकी कलर क्या है लकी रंग क्या है आगे आपके बच्चे किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं ये सभी जानकारी कुंडली के माध्यम से मैं देती हूँ उनका लक्की नंबर भी मैं बताती हूँ नीचे जो नंबर दे रहा है ना केवल इसी नंबर पे आपको संपर्क करना है और ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है इसके थोड़े से चार्ज है तो चलिए अब मैं बताती हूं बेसिकली मैं सत्रह और अठारह तारीख को दोनों दिन व्रत रखने वाली हूँ सत्रह तारीख को जो मैं व्रत रखूँगी वो व्रत मैं फलाहार से रखूँगी अर्थात फलों को खा के व्रत रखूँगी लेकिन अठारह तारीख को जो मैं व्रत रखने वाली हूँ वो सम्पूर्णतः निर्जला होने वाला है अर्थात जिसमें मैं जल का सेवन भी नहीं करूँगी बेसिकली अगर आप दोनों दिन व्रत रखोगे तो सर्वोत्तम है नहीं तो अगर आपको एक दिन व्रत रखना है तो मेरी एडवाइस ये है कि आप अठारह तारीख वाला व्रत करें अठारह तारीख वाला व्रत सर्वोत्तम है आपके करने के लिए फिर मैं दोबारा से यही कहना चाहूंगी कि आपके जो गुरुजन बोलते हैं जो भी जिस संप्रदाय को आप मानते हो जो उस संप्रदाय में जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हो आप उस रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से भी व्रत रख सकते हैं तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत राधे राधे हरे कृष्णा हरि बो